हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरती शर्मा लेक्चरर के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ हिंदी का डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, क्लास ट्वेल्थ में कितने नंबर का आता है। तो जीवन परिचय क्लास ट्वेल्थ में 5 नंबर का आता है। और सिर्फ क्लास ट्वेल्थ में जीवन परिचय नहीं लिखने होते हैं, जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय और उनके रचनाएँ भी लिखने होते हैं। ये जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्लास ट्वेल्थ में पक्का एकदम पूछा जाता है, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि जीवन परिचय लिखें कि साहित्यिक परिचय लिखें या दोनों लिखें। तो देखिए, जीवन परिचय भी लिखिए या साहित्यिक परिचय भी लिखिए, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे और प्लस रचनाएँ भी लिखने होते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ऊपर बोर्ड में या किसी भी पेपर में ऊपर हेडिंग डालिएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उसके बाद से लिखिएगा जीवन परिचय। जीवन परिचय 2 से 3 लाइन में लिखा जाता है, लेकिन इनका जीवन परिचय बहुत बड़ा है। वासुदेव शरण अग्रवाल का तो बहुत, मतलब 7-8 लाइन में लिखा गया है। और ये साइंस और आर्ट साइंस वाले दोनों पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल को। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल को पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हो गया। इतना तो इनका हो गया जीवन परिचय। अब हम लोग आते हैं साहित्यिक परिचय पर। तो आइए हम लोग साहित्यिक परिचय भी इनका देख लेते हैं। तो साहित्यिक परिचय आइए देखिए, यहाँ पर दिया है साहित्यिक परिचय। इसी तरह आप लोगों को हेडिंग डालकर बोर्ड में भी लिखना है। तो देखिए, दिया है साहित्यिक परिचय में, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृत पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अपने निबंधों में वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन है, आप लोग देख लीजिएगा, उद्घाटन किया। निबंधों के अतिरिक्त इन्होंने पाली, संस्कृत एवं अनेक प्राकृतिक ग्रंथों का संपादन किया। झांसी के पद्मावत पर इनकी टीका श्रेष्ठ मानी जाती है। ये तो आप लोगों को हो गया जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय। अब हम लोग इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो आइए हम लोग रचनाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रचना। तो यहाँ पर रचना हो गया, देखिए रचनाएं में दिया है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाओं का विवरण निम्न है। तो इसी तरह आप लोगों को हेडिंग डालकर लिखना है, तो एग्जामिनर भी खुश होंगे और अच्छा सा नंबर देंगे। देखिए, निबंध संग्रह क्या है, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता। क्वेश्चन आता है, कल्पलता के लेखक कौन है। तो एक कल्पलता के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं। यदि ऑप्शन में दोनों दिया है तो आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल ही लगाइएगा। यदि ऑप्शन में वासुदेव शरण अग्रवाल नहीं दिया है तो आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी को लगाइएगा। इनका आलोचना है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, हर्ष चरित्र की संस्कृत आदि। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।